सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अजय, और आज मैं आपको बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही बेसिक्स है, और हम इसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। पूरा चैप्टर एक पेज में कैसे उतारते हैं, देखो इसका क्या है। केमिकल बॉन्डिंग जो एटम होता है वो अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वजह से। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भी अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन जाएगा, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, केमिकल बॉन्डिंग। सो लेट्स स्टार्टेड। देखो जो बॉन्ड होता है वो चार टाइप का होता है। और भी बॉन्ड होते हैं बट अभी जितना पढ़ना उतने। पहला होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, फिर तो कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी समझो। आयनिक बॉन्ड होता है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। आप लोग पढ़े होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आइटम को घींच लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को। मान लो मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मैं इलेक्ट्रॉन्स घींच लूंगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन होता है, जैसे पता होगा आप लोगों को। तो ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। और जैसे एग्जांपल जो किस में होता है, NaCl में सोडियम क्लोराइड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो होता है ये म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। लेट्स से ये मेरे पास एक बॉन्ड है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर रहेगा और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, तो म्यूचुअल शेयरिंग होता है ना, मेरे तरफ रहेगा ना तुम्हारे पास रहेगा, बीच में रहेगा, जैसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका एक्सेप्शन होता है, ये आता नहीं जल्दी, एक्सेप्शन है इसका, Hg+, कोई जरूरत नहीं याद करने की। और ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये चैप्टर क्लास 12th में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, मान लो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेरा एक इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे का, मतलब मेरा एक लोन पेयर है, जैसे अमोनिया NH3, इस पर एक लोन पेयर है। और मान लो एक भिखारी बैठा है जैसे हाइड्रोजन H+, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बट इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये अपना, इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपना एक लोन पेयर, एक लोन इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करता है। तो ये ट्रांसफर करके इसके का इतना हुआ NH3, और यहाँ पे एक लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये अब आया तो इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फिर बाद में बॉन्डिंग बनाता है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसका एग्जांपल है NH4+, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आप लोग पढ़े हो बायोलॉजी में एडिनाइन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन AT, ये सब क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके बीच में। और H2O में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे H2O का पूरा कंपाउंड है, पूरा एक बर्तन में पानी है, इसमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये हो गया चार बॉन्ड। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, देखो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पहला जो है कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड किसने दिया,
इसे दिया लुईस भाई साहब ने। इन्होंने कैसे दिया? बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसा? डॉट स्ट्रक्चर। ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, चैप्टर में है क्या, इंट्रोडक्शन। तो इन्होंने कैसे बताया, मान लो अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, 2, 5 सात ना। तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक और नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5। तो इन्होंने क्या किया, बस ये तीन को इसे जोड़ दिया एलोन पे, और देखो यहाँ पे ऐसे ही ऐसा, मतलब 6, 7, 8 इधर भी 6, 7, 8। तो ऑक्टेट टूल फॉलो करता है इनके हिसाब से, क्या है बेस्ड ऑन ऑक्टेट टूल। ये बस जस्ट एग्जांपल है, अभी मेन बाकी इसका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। बट इनसे जब पूछा गया कि आप जो ये बॉन्ड बना रहे थे ऐसा एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका एक कैसे बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कैसे होती है, तो ये बता नहीं पाए। तो इनसे क्या नहीं बता पाए, कुड नॉट एक्सप्लेन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का बता नहीं पाए। मार्कर खत्म हो गया, मार्कर खत्म। तो इन्होंने तो बता नहीं पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, तो ये तो नहीं बता पाए। तो इसको बताने के लिए एक नई थियोरी आई जो उसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थियोरी, एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थियोरी। अब इस थियोरी ने कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, तो इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बाय ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कैसे होती है, ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से होती है, इन्होंने ऐसा बोला। ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग मतलब जैसे एक एटम है और एक और एटम है, जब ये दोनों टकराएंगे तो इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा वही तो लड़ेगा ना, तो ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होती है, जैसे SPDF आउटर मोस्ट सबसेल होते हैं तो उनको टकराने से होता है, तो उसको बताता हूँ बाद में भी। तो ये इन्होंने तो ये बताया, बट इनसे फिर तीन क्वेश्चन पूछेगा और तीन क्वेश्चन नहीं बता पाए। और तीन क्वेश्चन क्या थे कि क्या आप बता सकते हो कि जो आप ये बॉन्ड बना रहे हो ये इसका लेंथ क्या है, ये कितना लंबा है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका एनर्जी क्या है, तो कुछ नहीं बता पाए। तो डिड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, इन्होंने ये सब नहीं बता पाया। इनसे पूछा गया कि इसका लेंथ क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका एनर्जी क्या है, तो कुछ नहीं बता पाए। तो इसको बताने के लिए एक नई थियोरी है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूरा केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट लगता है, sp2 sp3 sp2 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 ऐसा लगता है। इनसे एक क्वेश्चन पूछेगा, जब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप बता सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स है उसका शेप कैसा होता है, दिखता कैसा हो, ये भी नहीं पता पाए। कुल नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको बताने की नई थियरी आई जिसे कहते हैं VSEPR थियरी।
वैलेंस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था बेस्ड ऑन, इधर दिख नहीं रहा होगा ना, सॉरी, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये मेन था। ये बोर्ड में आता है और एमसीक्यू में आता है और इंट्रेंस भी आता है नीट और जेईई में। तो ये लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के ऊपर बेस्ट था ये। लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा मैक्सिमम होता है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनके बीच में ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा। जैसे अमोनिया एन एन यहाँ पैसा है, इसको यहाँ बनाता हूँ, इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगा। जैसे मान लो क्लोरीन, क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इतना ऐसे तो बॉन्ड बना लिया। तो दिखता कैसा है क्लोरीन का बॉन्ड? देखो क्लोरीन ये ऐसा, इधर 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 एक्सेप्टेड था कि ऐसा दिखेगा ये, मतलब ये दिखेगा ऐसा, बट जो है ना लोन पेयर इधर 3 लोन पेयर, इधर भी 3 लोन पेयर, इधर भी, ये जो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है इसे खींच लेते हैं, तो खींचने की वजह से क्या होता है जो सीएल है वो ऐसा बन जाता है। ऐसा होने के कारण ये तन जाता है, तो इसमें क्या होता है होमोलिटिक फ्यूजन होता है, होमोलिटिक फ्यूजन। दिखता ऐसा एक्सेप्टेड ये था, बट होता कैसा रियलिटी में ऐसा होता है। तो ये तो हो गया, इन्होंने दो चीज तो नहीं बता पाया, इनसे एक और चीज पूछा गया कि आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस क्या है, ये डायनेमिक है कि पैरामैग्नेटिक है कि क्या है, ये भी कुछ कुछ नहीं बता पाए। तो नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स and not explain magnetic behavior of molecules, magnetic behaviors of molecules ये भी नहीं बता पाए। magnetic behavior मतलब oxygen O2 F2 diamagnetic है कि paramagnetic है, वैसे तो bond order concept है। ये तो हो गया, हाँ इतना हो गया बस। अरे इसको बताने के लिए एक नई थियरी है, उसमें बताना भूल गया, इसको बोलते हैं MOT, MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। ये तो था बस इंट्रोडक्शन, अभी इसका थियरी रहता है मेन, ये सब बाकी है। थैंक यू।